बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने सॉल्व करना है इसको, यानी सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपने इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी इसमें देखिए मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 1 ही होती है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होती है। तो जब जो लीनियर टर्म आपको दी हुई होगी, वहां से आपकी अपनी मर्जी है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या चाहे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। किसी एक वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा एक वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल का आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेकेंड आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसी इक्वेशन का कोई नेम रख लेते हैं, 2x - y = 4। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और 2x² - 4xy - y² = 6। इसी इक्वेशन का नेम जो है इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से देखिए y की वैल्यू जो है वो इसमें से फाइंड आउट करनी इजी है, क्योंकि मुझे अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो पहले y को इस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, फिर 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगी तो वो मेरे पास जो फ्रैक्शन के बगैर आ जाएगी, सिंपल टर्म होगी, तो वो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू जो है वो निकालूंगी। फ्रॉम 1 y = y मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, तो y का जो आंसर आ जाएगा 2x - 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा y इसी साइड पे है, असल में y मैं इस साइड पे लेके आई हूँ और 4 मैं इस साइड पे लेके आई हूँ। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ये देखिए जहां जहां पे y है ये 2x² आ जाएगा, -4xy को रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से, 2x - 4 - 2x - 4² = 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, 2x² - 4 2 8 8x² और यहाँ पे आ जाएगा +16x - इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा 2x² और फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 * 2x * 4 + 4² ठीक है, -6 = 0। ये भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ। यह देखा 2x² - 8x² इन्हें ऐड कर लें, यहीं पे कर लें या बाद में एक साथ भी किया जा सकता है, मैं यहीं पे इन्हें कंबाइन कर लेती हूँ। यह आ जाएगा -6x² और यह है +16x - इसके साथ, ठीक है। मैं ये ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ और साथ में इनके स्केयर्स भी, ये 4x² आ जाएगा, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 2 2 4 4 4 16 16x आ जाएगा, और इसके बाद ये नेगेटिव की वजह से ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये भी आ जाएगा 16 - 6 = 0। ये -6x² है और ये -4x है, तो ये -10x² हो जाएगा। इसके बाद x वाली टर्म देख लेते हैं, ये 16x और ये 16x, ये 32x आ जाएगा, और इसके बाद ये है 16 है और 6 है, ये 22 आ जाएगा, 22 = इसमें से हम -2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जरा हमारा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, -2 कॉमन निकालेंगे, 2 5 10 = 0, ठीक है। अब हमने बोथ साइड्स पे जो है वो डिवाइड कर देना है -2 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x² - 16x - 11 = 0। इसको अब आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आपको इसको पेयर्स बना के सॉल्व करें या इसको जिस भी मेथड से करेंगे, नेगेटिव ये सॉरी यहाँ पे हमारे पास -22 था,
ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। चलो ठीक है, अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको जिस मर्जी मेथड के साथ सॉल्व कर ले। इसके पेयर्स बन जाते हैं, मैं इसको पेयर्स बना के कर रही हूँ। 5x² नेगेटिव 5x नेगेटिव 11x और साथ में प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसमें से 5x कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव 11 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर x माइनस 1 एंड 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है या 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 11/5। ठीक है, अब आपने यही वाले जो आंसर्स हैं ये यूज़ करने हैं और यहाँ से आपने y का आंसर जो है निकाला, यहाँ से देख लेंगे जो हमने ये निकाला हुआ था ना, इसमें आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो y के आंसर आ जाएंगे। अब कहेंगे इफ़ x equals to 1 then y equals to 2 into 1 minus 4 this is equals to 2 minus 4 is equals to negative 2। ठीक है, एक तो इसका आंसर जो है वो negative 2 आ गया। एंड इफ x equals to 11 over 5 then y is equals to 2 into 11 over 5 minus 4 या आ जाएगा 22 over 5 minus 4 और इसका एलसीएम हम लेंगे 22 माइनस 20 आ जाएगा, 22 माइनस 20 ओवर 5 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 ओवर 5। अब आपने जो इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है वो आपने ये जो है सेट के लिए सिंबल डालनी है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है, पहले हम आपने x की वैल्यू लिखनी है बाद में। अगर x की वैल्यू 1 हो y का आंसर आता है नेगेटिव 2। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से अगर x की वैल्यू है 11 ओवर 5 तो y की वैल्यू है 2 ओवर 5। ठीक है, ये दोनों इसी तरह से जितने भी आंसर्स हों इसी तरह से हम इन्हें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते जाते हैं तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है 4.8 के क्वेश्चन सारे इसी तरह से ही होंगे। जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से हम एक्स या वाई किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे और सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा और वो आंसर अगेन जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे और हम इन्हें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे।